अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही डिलीशियस चिकन हांडी की रेसिपी है। ये हम हांडी में नहीं बना रहे हैं, जिसके पास हांडी नहीं है वो ये ना सोचे कि हमें हांडी में ही बनाना है। तो मैं ये पतीली में बना रही हूँ और बहुत ही मज़ेदार ये हांडी बनने वाली है। तो आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि कोई भी स्टेप आप अगर मिस करेंगे इससे आपकी हांडी ख़राब हो सकती है। तो चलती हूँ मैं इसकी रेसिपी की तरफ। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं और साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आइंदा आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले सिर्फ आपको ही मिले। इससे हमें मोटिवेशन मिलती है कि हम न्यू वीडियोस और बनाएं और आपके साथ शेयर करें। तो स्टार्ट करती हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने 750 ग्राम चिकन ली है और बोनलेस चिकन है ये, इसको क्यूब्स में कट कर लिया है। उसके बाद यहाँ मेरे पास है आधा कप दही, आधा कप दही मैं इसमें ऐड कर दूंगी। उसके बाद यहाँ है मेरे पास शान का चिकन हांडी मसाला, पूरा 1 kg का पैकेट है ये, तो पूरा हम इसमें ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद हम इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह बिल्कुल देखें मिक्स हो गया है, अच्छी तरह मैंने इसको मिक्स किया है। और उसके बाद जो है हम 30-40 मिनट्स इसको मैरिनेट करने के लिए रख साइड में रख देंगे। जब तक ये मैरिनेट हो रहा है हम चलते हैं। यहाँ मैंने ली है प्याज, 3 मैंने यहाँ ली है प्याज नॉर्मल साइज़ की, देखें ये साइज़ था, और इसको हम इस तरह क्यूब्स में कट कर लेंगे। और यहाँ लिए हैं 4 मैंने टमाटर, उनको भी मैंने कट कर लिया है। और अब प्याज और टमाटर को ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड कर लेंगे, ये एक पेस्ट बन जाएगा इसका। थोड़ा सा पानी डाल के ग्राइंड करेंगे, ये देखें इस फॉर्म में आ जाएगा ये। उसके बाद यहाँ ली है मैंने एक पतीली और उसमें मैंने डाला है आधा कप ऑयल। उसके बाद हम प्याज और टमाटर को जो है हमने ग्राइंड किया था वो हम ऑयल में डाल देंगे, अच्छी तरह मिक्स करेंगे। और अब हम इसको जब तक भूनने पे नहीं आ जाता, जब तक हम इसको पकाएंगे नॉर्मल फ्लेम पे रख के। ये देखें इस फॉर्म में आ जाएगा ये, ऑयल और मसाला हमारा अलग अलग हो जाएगा इस तरह से। बस ये तकरीबन भुन गया है, ये देखें, और यहाँ चिकन मैरिनेट हो गई है, ये देखें। तो अब हम इस चिकन को अपने मसाले में ऐड कर देंगे। अच्छी तरह जो बॉल था हमारा हम उसको साफ कर लेंगे, और सारा मसाला मैंने इसमें ऐड कर दिया है, मिक्स करेंगे। और 10 मिनट के लिए हम इसको लो फ्लेम पर पकाने के लिए रख देंगे। 10 मिनट पकने के बाद ये देखें ऑयल हमारा ऊपर आ गया है और ये इस तरह से हो गया है। चिकन चेक कर लीजिएगा, बिल्कुल कुक हो गई है, बहुत मील जिस तरह की हमें चाहिए, बिल्कुल सॉफ्ट वाली और अच्छी तरह से गली हुई है। और यहाँ पर जो है मेरी पतीली का भी बहुत ज़्यादा ख़राब हाल हो चुका है ग्रेवी बनाते हुए, जब मैं सालन भून रही थी उस टाइम। और अब मैं इसके बाद ले रही हूं। मैंने 1/4 कप जो है वो हरा धनिया लिया है, हरा धनिया के पत्ते लिए थे, उनको बिल्कुल बारीक बारीक चॉप कर लिया था। मिक्स करेंगे, हरा धनिया से फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। उसके बाद यहाँ मैंने लिया है आधा कप फ्रेश क्रीम है ये, आप अगर मलाई ऐड करना चाहें तो मलाई भी ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ फ्रेश क्रीम ऐड करी है 1/2 कप। लो फ्लेम ही रखेंगे, फ्लेम को तेज़ नहीं करना है, वरना सारा टेस्ट जो भी होगा वो ख़त्म हो जाएगा इसका।
कलर बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल वाला आ गया है। उसके बाद अब मैं इसमें ऐड करूंगी मक्खन। मक्खन मैंने लिया है 75 ग्राम। मक्खन ऐड करके हल्का सा, हम बिल्कुल ज़्यादा चमचा नहीं चलाना है, बिल्कुल हल्का सा पूरे में फैला देंगे और एक मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे कवर करके हम इसको रख देंगे। ये देखें, एक मिनट बाद मैंने इसको देखा है बटर बिल्कुल मेल्ट हो गया है। बिल्कुल हल्का हल्का मैंने इसको चमचा हिलाया है, चमचे को चलाना है, बिल्कुल तेज़ तेज़ नहीं करना है। और अब मैं इसको सर्विंग के लिए निकाल लूँगी। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल लग रहा है ये, और है भी, खाने में भी बहुत मज़े के बने। इसमें गार्निशिंग के लिए मैंने 1 इंच का टुकड़ा अदरक का लिया था, उसको बारीक बारीक कट कर लिया है, और हरा धनिया ऊपर से मैंने थोड़े से चंद पत्ते डाले हैं। ये देखें कितने यम्मी लग रहा है, दिखने में भी बिल्कुल बाहर का ही लग रहा है, रेस्टोरेंट का लग रहा है। आप इसको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिएगा। इंस्टाग्राम का लिंक मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। सो मुझे कमेंट्स भी ज़रूर कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है। अगर आप इस तरह गार्निशिंग करना चाहें तो इस तरह कर लें, और सेकेंड ऑप्शन आपके पास इस तरह का है, आप ऊपर से थोड़ी सी ये देखें फ्रेश क्रीम इस तरह भी ऐड कर सकते हैं। ये ज़्यादा दिखने में खूबसूरत लग रहा है, आपकी मर्ज़ी, आप जिस तरह भी करना चाहें। सो फ्रेंड्स, अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा अपना।